देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता का संकट बड़ा है और करोड़ों लोग इसकी चपेट में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के एक वेबिनार में आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को आंकड़ों के साथ ये सवाल उठाया है। लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। प्रतिदिन 375 रुपए से कम आए हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में 23 करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन 375 रुपीस इनकम पर डे। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है देश में गरीबी के कारण। होसबोले ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाए गए हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौरान करोड़ों मजदूर पलायन को मजबूर हुए और इस दौरान देश में बेरोजगारी का संकट और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना कहते हैं, सरकार के अपने ही आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले कुछ साल में देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो भी गवर्नमेंट के आंकड़े आए हैं वे दर्शाते हैं कि गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने गरीबी और बेरोजगारी पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। देखना यह है कि सरकार दत्तात्रेय जी के जो रेड अलर्ट है उसके ऊपर कार्रवाई करती है नहीं करती है। वो अब तक तो का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि असली मुद्दों पर जो देश के सामने हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आज़ादी के 75वें वर्ष में ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि लोक विमर्श में उन चीजों के कोई मायने न हो जिससे गरीब की थाली मध्यम वर्ग के सरोकार का कोई सीधा ताल्लुक नहीं। देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता का जो सवाल आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने उठाया है वो बात किसी से छिपी नहीं है। इन मुद्दों और चुनौतियों पर पिछले कई साल से देश में बहस चलती रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि होसबोले के इस बयान के बाद सरकार की सोच और रणनीति में कोई बदलाव आता है या नहीं। फैदाबाद से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।